अद्भुत रहस्य है, जब मृत्यु की भी हो गई मृत्यु। वो कहानी आज हम आपको सुनाएंगे जिसमें बताया गया है कि कैसे यमराज की मृत्यु हुई। मौत का स्वामी, मृत्यु का स्वामी यमराज की भी मृत्यु कैसे हो गई, क्या है उसके पीछे कहानी, क्या है पौराणिक कथा, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाने वाले हैं। तो ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा और जानिएगा कि कैसे मृत्यु की मृत्यु हुई। और आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आने वाली ऐसी ही रोचक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ये कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं तो ध्यान पूर्वक इस कहानी को सुनिएगा ताकि आप भी जान पाए कि कैसे मृत्यु के स्वामी यमराज की मृत्यु हुई। गोदावरी के पावन तट पे श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो शिव जी के अटूट भक्त थे, सदा शिव भक्ति में लीन रहते थे। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, यमदूत उन्हें समय से लेने आए लेकिन यमदूत श्वेत के घर में प्रवेश नहीं कर पाए। तब स्वयं मृत्यु देव आए और श्वेत के घर में प्रवेश कर गए। श्वेत की रक्षा भैरव बाबा कर रहे थे। भैरव बाबा ने मृत्युदेव से वापस जाने के लिए कहा लेकिन मृत्युदेव ने भैरव बाबा की बात नहीं मानी और श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्युदेव का यह आक्रमण देखकर भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ। भैरव बाबा ने मृत्यु पर डंडे से प्रहार कर दिया। मृत्युदेव वहीं ठंडे हो गए और मर गए। मृत्युदेव की मृत्यु सुनकर यमराज आए और उन्होंने श्वेत पर यमदंड से प्रहार कर दिया। वहां पर कार्तिकेय भी पहले से ही मौजूद थे जो श्वेत की रक्षा करने के लिए तत्पर थे। उन्होंने यमराज को मार गिराया और साथ में यमदूतों का संहार कर दिया। मृत्यु की सजा देने वाले यमराज की भी मृत्यु हो गई। कहानी को पूरा जरूर सुनिए। यह देखकर सूर्यदेव विचलित हो गए क्योंकि यमदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं। पुत्र को मरा देखकर सूर्यदेव ने भगवान शिव की आराधना की। भोले बाबा प्रकट हो गए। शिव जी ने नंदी के द्वारा गोदावरी नदी का जल मंगवाया। नंदी बाबा तुरंत दौड़े दौड़े गोदावरी नदी पहुंचे और वहां से जल लेकर वापस भोले बाबा के समीप आ गए। भोले बाबा ने मरे हुए लोगों पे उस जल को छिड़कवाया। तत्क्षण सबके सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए, जीवित हो गए। इसीलिए भगवान शिव को, भोले बाबा को विश्वनाथ कहा जाता है। भोले बाबा की शक्ति से, गोदावरी नदी के जल की शक्ति से वो सभी के सभी यमराज, यमदूत और उनके सारे गण जीवित हो उठे। तो यह कथा थी कि कैसे यमराज ने खुद, मृत्यु के देव ने खुद अपने प्राण त्याग दिए और भगवान शिव की शक्ति से, भगवान शिव के स्नेह से, उनकी ताकत से, उनकी शक्ति से उन्हें खुद यमराज जीवित हो उठे। इसीलिए भगवान शिव को पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड पूजता है और उन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जानता है। मित्रों, कैसी लगी ये कहानी, कैसी लगी ये स्टोरी, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ और सच्ची घटनाएं और साथ ही साथ धर्म शास्त्र, वेदों और पुराणों से संबंधित सभी धार्मिक जानकारियाँ हम आपको हमेशा उपस्थित कराते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के निशान पर भी दबाइएगा क्लिक, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।